ये क्या बात है। हमारा भविष्य। ये जो पंडिया स्टोर पाने के पागल बन गए, तूने नताशा को अपने सर पे चढ़ा रखा है ना, उसके चलते एक ना एक दिन हम दोनों को भीख मांगनी पड़ जाएगी। बस उसी की तैयारी करवा रही हूँ उससे। मजाक भी करनी होगी। परनाली की हिम्मत कितनी बढ़ गई है शादी के दिन के बाद से, देखा तुमने? और आज ये चिराग और डोली को देख क्या किया है मैंने, बिना किसी से पूछे बिना बताए अपने हनीमून के टिकट बुक निकाल के तैयार बैठे थे जाने के लिए। तो देख लेना, बहुत जल्दी इस घर में सब अपनी अपनी मन मर्जी चलाएंगे। ठीक है ठीक है। ओके माँ, मैं जानता हूँ सुनिए, पर आप तो भरोसा रखिए, आपकी एक एक तकलीफ नाम बर्दाश्त डबल को मैंने नताशा के सामने इसीलिए भेजा है ताकि वो उसका विश्वास हो, ताकि वो साइन करेगी कॉन्ट्रैक्ट सोते होंगे। लेकिन कब टूटेगा पंड्या स्टोर? देखा कृष, भाविन चिड़चिड़ा है लेकिन वो तेरी बात कभी नहीं था। लेकिन ये धवल और चिराग है ना, ये बच्चे हैं दिमाग से, खास तौर से दम, इसके दिमाग तो कुछ अलग ही चलता है। और तूने उसको नताशा के साथ दोस्ती करने के लिए बोला हुआ, उनकी दोस्ती तो बढ़ाएगा, उनकी दोस्ती हमारे परिवार के लिए मुसीबत बन सकती है बेटा। तो समझता क्यों नहीं है ये बात मेरी? क्या कैसे बताऊं माँ, ये मुसीबत को तो मैं पहले ही पंडित से बता चुका जी और अब तक तो मेरा भी और आप भी जान समझ में। अब बस ठीक है।